लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। सालों की खोजबीन और स्टडी के बाद आर्कियोलॉजिस्ट्स अतीत की कई ऐसी अनोखी बातें लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं जिनके बारे में शायद ही कभी कोई जान पाता। ये ऐसे रहस्य थे जो वक्त के साथ दफन होते गए, लेकिन जिज्ञासा में इन रहस्यों से पर्दा उठता गया। कभी कभी प्रकृति भी खुद अपने रहस्य सामने ले आती है। ऐसा ही कुछ हुआ बोस्निया के जाविदोविची में, जहां घने जंगल में गए कुछ गांव वालों को की नजर एक अजीब से पत्थर पर पड़ी। जाविदोविची के घने जंगलों में गांव वाले लकड़ियां इकट्ठा करने जाते हैं, लेकिन हाल ही में जंगल गए कुछ लोगों की नजर जमीन से बाहर निकले एक अजीब से पत्थर पर पड़ी। इसे देखते ही सब समझ गए कि ये पत्थर आम नहीं है। उन्होंने तुरंत आर्कियोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट किया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि ये गेंद लोहे से बनी हुई थी। 5 फीट डायमीटर में फैला ये पत्थर वहां कैसे पहुंचा, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। ये बात भी सामने आई कि इस गेंद जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को इंसानों ने नहीं बनाया था। रिसर्चर्स इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर इस पत्थर का रहस्य क्या है। इस पत्थर पर रिसर्च कर रहे एक साइंटिस्ट समीर ओस्मानागिस ने प्राचीन सभ्यता से इस पत्थर को जोड़कर स्टडी की। उनके मुताबिक ये पत्थर 1500 साल पुराना है और पास्ट में भी ऐसे कई पत्थर मिल चुके हैं, लेकिन लोगों में ये गलत फहमी थी कि इनके बीच सोना छिपा रहता है, इसलिए सभी पत्थरों को तोड़ दिया जाता था।